हेलो एवरीवन, टुडे इज प्रेजेंटेशन ऑन सीइंग मशीन केयर एंड मेंटेनेंस। मैं अश्विनी कुमार, वोकेशनल ट्रेनर। अज इस वीडियो के जरिए आप सिलाई मशीन की सांभ संभाल ते मेंटेनेंस किवें करनी है, रख रखाव किवें करना, इस वीडियो के द्वारा ही तुहानू दसांगे। तुसी इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। इस वीडियो का मुख उद्देश सिलाई मशीन की देखभाल इसके काम में सुधार लिया सहायता करती है। चंगी ते वधिया आउटपुट ते सुरक्षा लई साफ सफाई मशीन नू समय ते तेल देना बहुत जरूरी है। सिलाई मशीन नू साफ सुथरा रखना ते इस नू समय सिर तेल देना अते इस नू ढक के रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जदों असीं इस नू वरतों विच लिआउंदे हां तां कपड़ा सीउण वेले इह घट आवाज़ दे नाल नाल वधिया परफॉर्मेंस भी देवेगी, जिस नाल सानू कपड़ा सीउण वेले बहुत सारी परेशानियां दा सामना नहीं करना पैंदा। सीइंग मशीन क्लीनिंग टूल, सिलाई मशीन को साफ करने वाले औजार। असी हुण तुहाडे नाल गल कर रहे हैं तीन मेन स्टैप जिन्हां नाल मशीन की प्रोपर मेंटेनेंस रख सकते हैं। मेंटेनेंस प्रति सानू घर दीआं हरेक चीज़ां की मुरम्मत साफ सफाई रखनी चाहीदी है, जिन्हां की असी रोज़ वरतों करते हैं। उसे ही तरह सिलाई मशीन की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। मेरा मनना तो यह है कि सिलाई मशीन की घट देखभाल करना नुकसानदायक गल है। समय के नाल नाल इसकी देखभाल बहुत ही जरूरी है। सो मैं जो तजर्बा या कुछ सीखा है वो मैं तुहाडे नाल सांझा करन जा रहा। जिवें कि मैं जिक्र कर रहा कि सिलाई मशीन की देखभाल तीन स्टैप विच हुंदी है, इस प्रक्रिया नूं सानूं फॉलो करना चाहिए है। उन्हां बारे ही मैं तुहानूं हुण दस रहा, तुसीं इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखना वा। फिर सानूं सिलाई मशीन बारे चिंता करन की जरूरत नहीं है, सिलाई मशीन की समस्यावां का निपटारा करना भी भुल जाओगे तुसीं। फिर समय सिर इहदा रख रखाव साफ सफाई करन नाल कीमती सिलाई मशीन विच इह सारियां मुश्किलां पैदा होण दी संभावना बहुत ही घट जाती है। पर उस तों पहलां सिलाई मशीन की वरतों करन लई कुछ मुख नियम हन जिन्हां नूं फॉलो करन ते असीं सिलाई मशीन की साफ सफाई अते मेंटेनेंस तों निजात पा सकते हां, ते इस तों वधिया ढंग नाल बिना किसी रुकावट दे कम लै सकते हां। सिलाई मशीन की वरतों तो बाद मशीन नूं कवर करके रखना चाहिए है, उसका उपर जिहड़ा सिलाई मशीन का कवर हैगा उस नाल उहनूं ढक देना चाहिए है। बिना वजह तो मशीन नूं अगे पिछे ना चलाओ अते तुहानूं सिलाई मशीन के वख-वख हिस्सों बारे जानकारी भी होनी चाहिए है, तां जो तुसीं सिलाई मशीन की सही तरीके नाल वरतों कर सको। सिलाई मशीन काम किवें करदी है इसकी भी तुहानूं जानकारी होनी चाहिए है। सिलाई मशीन की सांभ संभाल फ्रीक्वेंटली रूल नूं फॉलो करते रहना चाहिए है, कि 100 घंटिया तो बाद मशीन की जी साफ सफाई बड़ी ही जरूरी है। उन्होंने क्लीनिंग भी करना चाहिए, उन्होंने ऑयलिंग भी करनी चाहिए है। जोड़े वो प्रलिंट फाइबरस होंगे है जो कपड़े की कटाई वेले छोटे छोटे धागे जोड़े होंगे वो मशीन के अंदर हिस्से में फस जाते हैं, तो उन्होंने सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। जे तुम एक दिन 3 घंटे मशीन चलाते हो तो 30 दिन तो बाद हर महीने एक बार यदि साफ सफाई करनी चाहिए है। इतने औखा भी नहीं है, महीने में एक बार तो आप साफ सफाई कर ही सकते हैं। जब हर जिहड़े ते प्रोफेशनल होंगे 3 घंटे बाद अपनी सिलाई मशीन की साफ सफाई भी करते रहते हैं। स्टैप पहला कुछ सावधानी है तो उपा हैं जिन्हों सू रोज़ ही फॉलो करते रहना चाहिए तो इनू अपना भी चाहिए। जे तुम सिलाई मशीन लंबे समय तक सही सलामत रखना है तो फिर ये रूल तुम फॉलो करने पैणगे। तुम यह इंश्योर कर लो कि इन्हां नियमों नूं फॉलो करते रहना वा, जिहदे नाल कि सिलाई मशीन की आपां काफ़ी देर तक वरतों कर सकते हैं। नंबर 1 ते जदों वरतों विच ना होवे तां मशीन नूं हमेशा कवर करके रखो, इस नूं उसे तरह ही रखो जिवें कि तुसीं नवीं लई होई है। इहदी बड़ी ही तुसीं सांभ संभाल करनी है, इस नूं धूड़ मिट्टी कणां तों बचाउणा, समें सिर इहदे उपर कपड़ा फेरदे रहना। 2nd नंबर ते है कि तुसीं इह इंश्योर कर लो कि तुसीं फैब्रिक लई एप्रोप्रिएट थ्रैड अते एप्रोप्रिएट ही सूई की वरतों कर रहे हो। इस बारे मशीन के मैनुअल तो पढ़ सकते हो, असी तुहानूं इस वीडियो के राही ये सब ही गल्लां समझावांगे। नंबर 3 ते अपनी मशीन ते वो फैब्रिक की सिलाई ना करो जो तुसीं इस ते नहीं सी सकते, जिवें कि वाधू मोटा जां होजरी वाला कपड़ा जां ज़्यादा परतां वाला कपड़ा, उसकी सिलाई करनी बड़ी औखी है जो कि मशीन के अंदरूनी पुरजे को हिला सकती है या नुकसान कर सकती है, जो कि सिलाई मशीन लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर 4 ते जेकर मशीन बिजली वाली है तो उस उत्ते मोटर लगी हुई है,
ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕਟ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਸੋਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੋ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਬਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਬਿਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਬਿਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਡ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਟ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਰੈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਲੀ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਟਸ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਥਰੈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਲੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਨ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਪੇਚਕਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਸਮਾਲ ਬਿਗ ਦੋਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਟੇ ਵਰਗੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਸੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਡ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਬਿਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੋਬਿਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਓਇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਇਲਿੰਗ ਆਫ ਸੀਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਕਣ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀਣ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਟਸ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ।
फिर रही गल सिलाई मशीन नूं तेल देण दी, सिलाई मशीन दे उपर ही होल्स बने होंदे और उहदे उपर ही मार्क भी लगे होंदे ने कि इस जगह ते तेल देना वा। एक छोटी बोतल दे विच तेल सिलाई मशीन दा पा के उसकी नोक नूं उस पॉइंट दे विच जिथे कि होल बनिया होंदा उहदे ते तेल दे देना चाहिए। लेकिन यह जरूर इंश्योर कर लो कि तेल देने तो पहला सिलाई मशीन की साफ सफाई कर लेनी है, धूड़ मिट्टी नूं हटा लेना वा, उहदे विच कपड़ा नहीं होना चाहिए जिहड़ा पसीना वा, ठीक है। तो सिलाई मशीन तेल देने तो बाद तेल भी एवें देना कि तीन तो चार ड्रॉप्स हर एक होल दे विच दे देनी है वा। फिर सिलाई मशीन की जिहड़ी थले वाले हिस्सों के विच उत्थे भी तुसीं बोबिन केस दे विच भी तेल दे सकते हो, लेकिन बोबिन केस नूं तार देना चाहिए। पर तेल देने तो बाद जो सिलाई मशीन की वरतों करनी है ना आपां, ते उहदे विच कोई गंदे कपड़े नूं फ्री दे विच ही मशीन नूं चला लेना चाहिए, जिहदे नाल कि जिहड़ा सिलाई मशीन का जिहड़ा तेल है जिहड़ा कि फीड डॉग ते भी लग्या हुंदा उह कपड़े ते नहीं लगेगा कि वह फालतू कपड़े ते ही रह जूगा, जिस नाल साडा नुकसान भी नहीं होना। थ्रॉड प्लेट हुंदी है जिहड़ी उहनूं भी तार लैना चाहिए, फिर उहदे ते थले भी तेल देना चाहिए, ठीक है। एयर वैक्यूम की मशीन की मदद नाल भी असीं इहदे विचों लिंट फाइबर नूं रिमूव कर सकते हैं, जो कि जिस सिलाई मशीन बड़ी साफ। मशीन ऑयलिंग, मशीन की ऑयलिंग करनी बहुत ही जरूरी है, इसमें समय समय से सिर पर तेल देते रहना चाहिए है। छोटी बोतल के तेल अवेलेबल हो जाता सानू, तो मशीन के उपर मार्क भी लगे होंगे ने भी जिथे जिथे आप इसमें तेल देना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित कर लो, इंश्योर कर लो कि सिलाई मशीन के उपर जो तेल देना वा ना, उस तो पहला सिलाई मशीन की साफ सफाई कर लेनी, जो लिंट्स फाइबर है उसके उपर धूड़ मिट्टी को हटा लेना वा, नहीं तो फिर की होना भी जिमें आप तेल देवे तो वह धूड़ मिट्टी के कण जो डस्ट है डस्ट पार्टिकल वो अंदर जम जाएंगे। तो फिर उस तो बाद की है कि मशीन थोड़ी भारी चलूगी, भारी चलन के नाल सू कपड़ा सीन के औख होएगी, तो सिलाई मशीन आवाज़ भी कर सकती है, जो पुरजे कोई खराबी भी हो सकती है। ये सब तो बचने के लिए सानू यो है कि इनू कपड़े के नाल साफ कर लवो, जां वैक्यूम की मदद नाल इस दे विच जिहड़े लिंट्स फाइबर है जां धूड़ मिट्टी मशीन के अंदर होंदी है उसनू वैक्यूम दे नाल सक करके साफ किया जा सकता, क्योंकि कुछ हिस्सों के विच जिहड़े है कि मशीन की साफ सफाई लई कपड़ा भी नहीं जा सकता, असी स्केल स्ट्रिप दे नाल भी इहनू साफ नहीं कर सकते, कागज़ जां कपड़े दे नाल भी नहीं साफ कर सकते, तो वैक्यूम की मदद नाल ही उहदे विचों खिंचिया जा सकता है। फिर कि ऑयलिंग करन नाल मशीन दे पार्ट्स प्रोपर काम करदे हन, इस नाल मशीन की आवाज़ पर भी फर्क पैंदा है। हफ्ते विच एक बार तेल देना जरूरी है, इहदे नाल सिलाई मशीन की उम्र भी वध जांदी है, ठीक। मशीन के जिस जिस हिस्से विच तेल देना होंदा है उसके उत्ते मार्क लग्या होंदा है, जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस्या वा कि मशीन के उपर मार्क भी लग्या होंदा वा, ठीक है। उहदे उपर एरो लग करके दस्या होंदा वा जिन्हां जिन्हां हिस्सों नूं तुसीं तेल देण की जरूरत हुंदी है। जेकर ज़्यादा तेल देना जरूरी है तो फिर उपरला धागा प्रैशर फुट, फेस प्लेट, स्लाइड प्लेट, बोबिन केस और थ्रोड प्लेट को हटा देना चाहिए, जिमें कि मैं तुम्हें पहले ही दसिया वा, है ना। शटल केस को भी साफ करके फिर तेल देना चाहिए, इन ये उपर सारे मार्क लगे हुए जिथे जिथे ऑयल देना वा, जिहड़ी जिहड़ी जगह खोल सकती है वो आप तेल दे सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। पर इन्हों फिर तेल देने तो बाद इन्हों ढक देना चाहिए ता जो ये धूड़ मिट्टी तो लिंट सफाई ना फसन। यह मशीन का थले वाला हिस्सा है, इसनों सानू ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर सानू इसनों शॉप पर लैके जाना पेगा इसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। बस ये आप ऑयलिंग ही कर सकते हैं, जो कि मशीन को साफ सुथरा तो बड़े सौखे ही ढंग चलन के केयरिंग फॉर द सिंग मशीन, कि सिलाई मशीन की साफ सफाई सामभ संभाल आप किमें करनी है, ठीक है। अगे आपे बारे ही दसागे, इसनों बड़े ही ध्यान दे। सिंग मशीन क्लीनिंग टूल्स, सिलाई मशीन नूं साफ करने वाले औजार। पहले नंबर ते कि सिलाई मशीन नूं हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसनों कपड़े दे नाल बार बार साफ करते रहना चाहिए है, जिस नाल कि उस उपर धूड़ मिट्टी जिहड़े लिंट्स फाइबर होंदे है जां होर चीज़ों तो बचाया जा सकता है। ये सुनिश्चित कर लवो कि तुसीं बार बार ही सिलाई मशीन नूं हर 3 घंटे तो बाद सिलाई मशीन नूं जिहड़ा कि साफ कपड़े दे नाल जां कॉटन दे नाल इहनूं कर लेना चाहिए, जिस नाल कि सिलाई मशीन की जिहड़ी लाइफ है वध जांदी है तो साफ सुथरी लगती है वेखन, ठीक है। बाहर वाले हिस्सों धूड़ रहित करने लिए कपड़े ना साफ करते रहना चाहिए। मशीन के हेठ के हिस्से साफ करने लिए मशीन आर्म ध्यान ना फड़ के नीवा कर लेना चाहिए, नरम कपड़े ना इन साफ करो,
ठीक है। टेंशन लीवर नू भी साफ करो, टेकअप लीवर ते थ्रेड गाइड नू भी साफ करो, बोविन केस ते शटल नू भी, मशीन दे सरफस वाले हिस्से नू भी साफ करो। फिर यह जरूर ध्यान रखना भी सिलाई मशीन की साफ सफाई लिए कभी भी डिटर्जेंट की वरतों नहीं करनी आप, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट की वरतों नाल की है सिलाई मशीन खराब हो सकती है, जंग भी लग सकता वा, ठीक है। ब्रश की वरतों करते हुए साफ सुथरा करो, इन फीड डॉग नू भी साफ करो, शटल वाले हिस्से नू भी साफ करो, थ्रोट प्लेट के अंदर वाले हिस्से तो भी। सिलाई मशीन को पहले नंबर से हमेशा ही कवर करके रखो, ठीक है, जो वरतों में ना हो सिलाई मशीन को अपने हाथ द्वारा सिलाई किए हुए कवर नाल ढक दो, जो कि सिलाई मशीन धूड़ मिट्टी तो बचा के रखेगा। बाहरी धूड़ कट्टे मिट्टी तो हवा में गंदगी तो बचा के रखने लिए भी कवर की वरतों की जा सकती है, जो मशीन सूरजी रोशनी तो भी बचा के रखने लिए वधिया उपाय है, ठीक है। फिर की कहता वा यूजिंग एप्रोप्रिएट नीडल एंड थ्रेड्स, सानू सही धागे ते सही नीडल की वरतों करनी चाहिए, जिस नाल भी सिलाई मशीन काफ़ी हद तक मेंटेनेंस तो बच सकती है कि ये अंदरूनी पुरजों में ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सूई ते धागियां की कपड़े की मोटाई अनुसार वरतों करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करो कि तुसी जिस फैब्रिक की वरतों कर रहे हो उसके लिए एप्रोप्रिएट थ्रेड एंड नीडल की ही वरतों करनी है, ठीक है। इसकी तुम्हें जानकारी भी होनी चाहिए है, यदि जानकारी लिए तुम मैनुअल भी पढ़ लेना चाहिए, एवं जिमें कि जनरली 18 नंबर की जी सूई वरतों यूजिंग एप्रोप्रिएट नीडल एंड थ्रेड, यह सुनिश्चित कर लो, इंश्योर कर लो कि जी तुम नीडल तो थ्रेड वरत रहे हो ना सिलाई करने लिए कपड़े के लिए वो बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट हो कि कपड़े के लिए सही हो, ठीक है, कि जिस किस्म का कपड़ा है उस किस्म की ही सूई वरतो, तो जो बोविन केस के जोड़ा धागा पाना वा थ्रेड वो भी सेम ही हो, कि काफ़ी परेशानी है तो बचा जा सकता वा, क्योंकि जेकर सेम थ्रेड नहीं होगा तो फिर कपड़े के गलत धागा चल जूगा, जिदे कि तुम बार बार वो बोविन केस के बोबिन नू कटोगे फिर वो थ्रेडिंग करोगे दोबारा, जो कि समा बहुत बर्बाद हो रहेगा तो उसका कोई फायदा भी नहीं है मशीन अभी। सिलाई मशीन तो वो सूइया की किस्म कि सूइया की आप वरतों करते हैं, यूनीवर्सल नीडल होंगी है जिन्हों आम तौर पर सारे हर एक तरह के कपड़े की सिलाई कर सकते हैं, बाकी बाल पॉइंट्स नीडल होंगी है जिंद की जी अगे टिप होंगी है वो बाल पॉइंट वाग थोड़ी गुलाई होंगी है, जर्सी नीडल्स जिन्हों के नाल आप जर्सी वगैरह सीने होजरी वाले फैब्रिक, स्ट्रैच नीडल जी स्ट्रैचेबल पेंटा सिलाई करने लिए, लैदर नीडल भी होंगे वा जिंदा टिप जी बड़ी शार्प होंगी है जो कि लैदर के कपड़े ज लैदर की जैकट वगैरह की सिलाई करने लिए इन्हों की वरतों की होंगी। क्विल्टिंग नीडल्स जिन्हों की रजाइया के साइड से हैमिंग वाला एक साइड से कपड़ा लगता ना रजाइया से उन्होंने सीन वरतों की जाती है। जीन्स नीडल जिड़ी कि डेनिम के कपड़े में जी जीन आप पाने उन्होंने सीन वास्ते करती होंगी। डबल नीडल कुछ मशीन से डबल नीडल भी होंगी जो डबल सिलाइया करती है, जो कि शर्ट्स से पेंटा लेडी गारमेंट से भी यूज होंगी है, ठीक है। इस चार्ट के तुम दसागे भी कि फैब्रिक के लिए कि नीडल वरती जाती है, जिमें कि 8 नंबर अमेरिकन साइज 8 नंबर की सूई जी है वो बड़ी फाइन सूई है, बड़ी ही ब्रीक है, जिमें कि मैं तुम्हें 18 नंबर की सूई दस कि आम तौर पर 18 नंबर की ही घरेलू मशीन के वरती जाती है, जी 8 नंबर की है तो 9 नंबर तो 10 नंबर की बड़ी फाइन होंगी है, ये फाइन सिल्क कपड़े के लिए वरती जाती है, शिफोन के लिए है ना, तो फाइन लैस के लिए वरती जाती है। फिर 11 के नंबर थोड़ी लाइट वेट चाहिए है जी कि कोटन वायल लिए सिल्क लिए सिंथेटिक लिए स्पेंडेक्स के लाइकरा वाले धागे लिए वरती जाती है। फिर 14 नंबर फिर उस तो मोटी आ गई क्रिल्टिंग फैब्रिक वास्ते जिमें रजाई के कपड़िया के लिए साइड से जो कपड़ा लगा के उन्होंने सिलाई करनी होंगी है कोटन के लिए वेलवेट के लिए है ना लीनन के लिए वूल के लिए स्वैटशर्ट के लिए। फिर 16 नंबर जी सूई है थोड़ी होर भारी आ जाती है और डेनिम के कपड़िया के लिए डक के लिए सूटिंग के लिए तो लैदर के लिए सिलाई करने के लिए वरती जाती है। नंबर 18 से हैवी डेनिम के लिए हैवी कैनवस होजरी फैब्रिक के लिए, ठीक है। 20 नंबर एक्सट्रा हैवी वर्क हैवी फैब्रिक के वास्ते जी कि यदि वरतों की जाती है। फिर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम घर के जी है जिमें कि मैं तुम्हें पहले भी दसिया घरेलू जोड़े मशीन के उपर ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं सीने चाहिए है ना, उसके उपर ज़्यादा मोटे कपड़े की सिलाई ना करो, क्योंकि घरेलू मशीन इस तरह के कपड़े सीने के असमर्थ होंगी है तो मशीन के अंदरूनी पुर्जों नुकसान पहुँचा दी है, ठीक है।
फिर सिलाई मशीन साफ सफाई करने वाले जिवें कि आ ब्रश है, ब्रश के नाल तुसीं इहदे विचों लिंट्स फाइबर छोटे मोटे कण जिहड़े अंदर फसे हुंदे आ इस दी मदद नाल तुसीं बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप तुसीं इस वीडियो तो काफ़ी कुछ सीखा होगा कि आपां सिलाई मशीन की सांभ संभाल साफ सफाई तो एप्रोप्रिएट थ्रेड एंड नीडल्स जिहड़ी है यूज़ कर सकते हैं जिहदे नाल कि आपां सिलाई मशीन नूं काफ़ी हद तक जिहड़ी है कि बचा सकते हैं। बार बार मेंटेनेंस तो बचाने के लिए इस जो वीडियो के मैं तुम्हें दसिया जेकर तुम ये चीज़ों फॉलो करो तो काफ़ी हद तक आप सिलाई मशीन में मेंटेनेंस तो बचा सकते हैं कि आप खुद ही सांभ संभाल कर सकते हैं कि समय सिर इसमें तेल देना, समय सिर इसकी सफाई करना, यदि लुक न भी वधिया करूंगा, धूड़ मिट्टी तो बचाने के लिए ये उपर कवर करके रखना, इस सब के नाल सिलाई मशीन लंबे समय सिर तक आप वधिया ढंग नाल वरत सकते हैं। थैंक्स, आई होप तुसी इस वीडियो का काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक्स अलॉट।